उदयपुर पुलिस यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पिछले कई दिनों से शहर में जीरो टॉलरेंस का अभियान चला रही है, जिसके तहत बिना हेलमेट और तीन सवारी गुजरने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट अनिवार्य होने के बाद हेलमेट की बिक्री भी बढ़ गई है। अश्विनी बाजार में हेलमेट विक्रेताओं ने सड़क तक अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। ऐसे में एक तरफ यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए हेलमेट बेच रहे दुकानदार खुद अतिक्रमण करके यातायात बाधित कर रहे हैं। अश्विनी बाजार में कब्रिस्तान के सामने बनी संचेती ऑटोमोबाइल, अरियंत ऑटोमोबाइल और राजस्थान मोटर्स की दुकानों पर भारी भीड़ जमा होने से ग्राहक अस्त व्यस्त तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं। वहीं ये दुकानदार काफी हद तक सड़क पर आ गए हैं। यूं तो शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस रसूखदारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, यह भी एक बड़ा सवाल है।